नमस्कार साथियों, शाम के 5 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं यूपी डीएलएड बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास लेकर। कल जब मैं आपके सामने लाइव आया था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके माइंड को जज करने के लिए या फिर आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपका डीएलएड के इस खास सेशन में। देखो, अगर सीखना चाहते हो तो सिर्फ सीखने पर फोकस करो। 1, 2, 3, 4 घंटे की क्लास लेके जरूरत पड़ेगी तो मैं 24 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, और मैंने अपने चैनल पे 24 घंटे की लाइव क्लास भी ली है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी मैं 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उन चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने रेगुलर मेहनत ना की हो। अगर हम रेगुलर मेहनत करेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आप सब लोग एक चीज़ से परिचित हैं। देखो, आप सब लोगों को कल को सामना करना है अपने स्टूडेंट्स का, उनको पढ़ाना है, उनको सेटिस्फाइड करना है, उनको एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। कोई बच्चा आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल की हिंदी क्या है। आर्टिकल का यूज़ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भी करते हैं। आर्टिकल का यूज़ हम घर की यूज़ वाली चीज़ों में भी करते हैं। आर्टिकल का यूज़ हम लोग अपने ग्रामर में भी करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने ग्रामर में यूज़ होने वाली चीज़ों की, तो उसे हम सही मायने में कहते हैं आर्टिकल्स। अब यहाँ से चैप्टर का नाम ही हम लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, किताबों में भी गलत लगा रहता है। सही नाम क्या है उस चैप्टर का? सही नाम है आर्टिकल्स। और इन तीन में ए एन द, ये तीन आपके आ जाते हैं आर्टिकल्स, तीन आ गए आपके सामने। अब इसमें क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है, समझना है और फोकस करना है। अगर केवल आर्टिकल की बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में यूज होता है, उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। वो किसके अंतर्गत आएगा? उसे हम कहेंगे अनुच्छेद। और अगर हम आर्टिकल वस्तुओं की बात करते हैं, तो आर्टिकल का एक मतलब वस्तु भी होता है, जो घर में कोई भी चीज़ें हम लोग जनरली नॉर्मली यूज करते हैं उसके लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ने हैं जिनकी संख्या होती है 3। और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्व पद, अग्रपद, सहलग्न या फिर अनुलग्न। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कभी मुझे अपने SSC और डिफेंस की क्लासेस में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर इनके हिंदी मीनिंग का कोई रोल नहीं है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। चूँकि आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड करना है, स्टूडेंट्स को बताना है, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ज़रूरत पड़ती है। जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। देखो, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके कोई डाउट्स आए वो मुझे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसके जवाब देता चलूँ। आर्टिकल हो गया, चैप्टर का सही नाम पता चल गया, उसका हिंदी मीनिंग क्या है वो पता चल गया, इनकी संख्या कितनी होती है वो पता चल गया। अब ये जो ए और एन है ना आपके सामने, और द, ये तीन, इन तीनों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब आर्टिकल आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इनडेफिनिट आर्टिकल, एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में 2 आ जाते हैं, ए और एन, और डेफिनिट में आपका 1 आता है द। इनडेफिनिट इन द सेंस जिसके बारे में हमें कुछ भी निश्चित ना पता हो, क्या होना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या है, मतलब निश्चित ना पता हो। मैंने कहा मैंने एक लड़का देखा, लड़का देखा, ठीक है, कोई देखा होगा। हमने कहा यार हमने एक लड़का देखा, पता है वो लड़का अंधा था। अच्छा, उस लड़के के बारे में एक हमें डेफिनेट पॉइंट पता चल गया कि वो लड़का कैसा है, अंधा है। उसके बारे में डेफिनेट पॉइंट पता चला, और जब डेफिनेट पॉइंट पता चला तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, उसके साथ हम द का यूज करेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है वो लड़का कैसा है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना पता हाँ एक लड़का देखा। हमने कहा आई हैव ए कार,
मेरे पास कोई एक कार है बस इतना मुझे पता है। हमने लिखा सी हैज अ न्यू टीवी, उसके पास एक नई टीवी है बस इतना पता है। मतलब यहाँ पर न बॉय न कार और न टीवी के बारे में कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं बताया जा रहा है जो पॉइंट निश्चित हो, जो पॉइंट पूरी तरह से डेफिनेट हो, उस डेफिनेट पॉइंट की बात नहीं की गई है। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखना, I saw a boy, the boy was blind। जहां पर लड़के के बारे में कुछ नहीं पता है वहां पर ए का यूज किया है, जहां लड़के के बारे में पता चल गया वो कैसा है किसका यूज किया हमने, द का यूज किया। ये है पॉइंट, याद रखने वाला, समझने वाला, सोचने वाला, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, हमने लिखा सी बॉट अ न्यू कार, द कार वाज ब्लैक। उसने एक कार खरीदी, कार के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं था। अब उसने क्या किया, उस कार के बारे में बताया कि वो कार काली थी, उसके बारे में डेफिनेट कर दिया, किसका यूज कर लिया, द का। एक और पॉइंट यहाँ पे आप बना सकते हो अपनी सुविधा के लिए, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई शास्त्रों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है। अगर एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन दो बार यूज हो, एक ही सेंटेंस में एक नाउन दो बार यूज हो, तो जब पहली बार वो नाउन यूज होगा तो वो इनडेफिनिट होगा। वो नाउन पहली बार यूज होगा तो कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा। दूसरी बार उस नाउन का यूज करेंगे तो वो नाउन कैसा होगा, डेफिनेट। आप किसी चीज की चर्चा बार बार कब करोगे, जब उस चीज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। भाई अगर आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी है, आप उसके बारे में पूरी तरह से डेफिनेट हैं, तभी तो आप उसकी बार बार चर्चा करोगे। तो अगर हम किसी चीज की बार बार चर्चा कर रहे हैं तो हम उसके बारे में डेफिनेट हैं, और हम एक ही बार उसकी चर्चा कर रहे हैं तो हम उसके बारे में कैसे हैं, इनडेफिनिट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ए और एन में भी अंतर है, ए और एन के यूज में भी अंतर है, ए और एन के प्रॉपर यूज में भी अंतर है। ए का यूज हम तब करते हैं जब कोई शब्द हिंदी वर्णमाला के का से ज्ञा के बीच में हो। कोई भी आपका शब्द लिखाओ, उस शब्द का पहला लेटर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उस शब्द का हम प्रोनंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते समय अगर साउंड का से ज्ञा के बीच में आ रहा है तो हम ए लगाएंगे, और अगर उसका साउंड, उसकी ध्वनि आ से अहा के बीच में आ रही है तो उसके साथ हम एन का यूज करेंगे। साउंड कॉन्सोनेंट है ए आएगा, साउंड वॉवल है तो एन आएगा। देखिए हमने लिखी ए कार, ए बॉय, एन एप्पल, एन एग, एन इंकपॉट। उच्चारण करते चलो, कार का से स्टार्ट हुआ, वाय बा से स्टार्ट हुआ, एप्पल ए से स्टार्ट हुआ, एग ए से स्टार्ट हुआ, इंकपॉट ई से स्टार्ट हुआ। तो जो बचपन में हमने पढ़ा था ए ई आई ओ यू वाली कहानी, वो ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही पूरी तरह से गलत है। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो भी शब्द लिखा हो उसका सही प्रोनंसिएशन करना बहुत जरूरी है। और यही चीज़ आपने देखी होगी कि जब भी कोई इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने, सीखने या पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है प्रोनंसिएशन पर, उच्चारण पर। किस पर फोकस रहता है, उसका फोकस रहता है उच्चारण पर, प्रोनंसिएशन पर। और आप भी अगर उच्चारण सही कर लेते हो तो ये ए और एन में कभी आप कोई गलती नहीं करोगे। ए और एन में गलती तभी होती है जब आपका प्रोनंसिएशन गलत हो, जब आपका उच्चारण गलत हो। अगर आपका उच्चारण सही है तो आप उसमें गलती नहीं करोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपसे जो पूछना चाहूंगा, एक चीज और समझ लो, ए और एन का यूज कब करते हैं, कब ए का यूज करेंगे, कब एन का यूज करेंगे, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब ए और एन का यूज करते कहां है, किस कंडीशन में,
जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो। नाउन कैसा होना चाहिए? जब नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल हो। नाउन सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, वो नाउन गिना जा सके। जैसे वाटर को आप नहीं गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते ना, नहीं गिना जा सकता। जब नहीं गिन सकते तो क्या वाटर के साथ कोई आर्टिकल यूज होगा ए और एन में से? नहीं। क्या हम दा यूज कर सकते हैं? इसके बारे में दा पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, अभी हम दा तो नहीं पढ़ा रहे आपको, अभी दा के बारे में तो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब दा के बारे में डिस्कशन करेंगे तब दे की चर्चा करेंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही। अभी ए और एन नहीं आएगा वाटर के साथ, ये कन्फर्म है। अच्छा, क्या हवा को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। जब हवा को नहीं गिना जा सकता तो क्या इसके साथ ए और एन आएगा? नहीं। क्या हम इसके साथ दा का यूज कर सकते हैं? अभी हम दा की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो ए और एन का यूज केवल और केवल तब करेंगे जब नाउन हमारा सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। क्या कुछ सवालों के लिए तैयार हो आप? कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो सही जवाब देना, गलत हो जाए तो परेशान मत होना। पहला है, ये रहा। ये रहा, ये रहा। चलो इन सब के जवाब देने का प्रयास करो। आपके सामने ICE है, आपके सामने AIRBAG है, आपके सामने HEIR है, आपके सामने HARE है, आपके सामने HOUR है, आपके सामने HAIR है, आपके सामने HONESTMAN है, आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, आपके सामने फर्नीचर है। बर्फ को नहीं गिन सकते, एयरबैग गिन सकते हैं। कोई भी गाड़ी खरीदो तो उसमें कहा जाता है कि इसमें 4 एयरबैग हैं, इसमें 6 एयरबैग हैं, मतलब एन एयरबैग हम यूज कर सकते हैं। इसे पढ़ा जाता है एयर, और एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो इसके साथ आ जाएगा एन। हेयर का मतलब होता है खरगोश, इसको पढ़ते हैं हेयर, इसको पढ़ते हैं आवर, तो एन आ जाएगा। इसको पढ़ते हैं हेयर, लेकिन बालों को गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल माने जाते हैं, और अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है तो इसके साथ एन आ जाएगा। इंफॉर्मेशन और फर्नीचर को अनकाउंटेबल माना जाता है। जब हम इंफॉर्मेशन और फर्नीचर की बात करते हैं तो वो होते हैं अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो इनके साथ कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एक बार जरा देख लीजिए, इनमें से किसी भी वर्ड में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो और अपनी बात को कह सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया यही सब आएगा। अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप आर्टिकल का, इनडेफिनिट आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और वही आपके सामने करना भी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप एक बार इसको। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करने में, आसानी से यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आपको उन रूल्स में केवल एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई नाउन आपका कैसा हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, उसके साथ हम ए और एन का यूज करेंगे। इसके अलावा ए और एन का यूज हम कहीं पर भी नहीं करेंगे। बात करते हैं आगे की। आगे आपके सामने है कि कुछ शॉर्ट वर्ड आते हैं, कुछ पिछले कुछ पेपर्स हमने देखे हैं टीचिंग एग्जाम्स के और DLED वगैरह के, उनमें एक आध क्वेश्चन इसके भी देखने को मिले हैं। जैसे शॉर्ट वर्ड लिखते हैं FO, या हम लिखते हैं FIR, या फिर हम लिखते हैं NCC, हम लिखते हैं MBBS, हम लिखते हैं BDO,
हम लिखते हैं सी डी ओ, ठीक है, हम लिखते हैं एम ए, बी ए, दरअसल यही पूछे गए हैं, बी ए, या फिर और भी कई सारे हैं, एक्स रे, एक्समस, बस इतने से समझ लेते हैं। ये सभी इंग्लिश में कहे जाते हैं एब्रीविएटेड वर्ड्स, गौर फरमाइएगा, क्या कहे जाते हैं, एब्रीविएटेड वर्ड्स, और इनको हम कहते हैं हिंदी में संक्षिप्त शब्द। अब इनके साथ भी ए और एन का यूज करते हैं क्योंकि इनका भी संबंध किसी न किसी पर्सन से होता है, और पर्सन अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एफ ओ का जब प्रोनंसिएशन करेंगे तो एफ ओ आपका ऐसे आएगा, ए आ गया एन, एफ आई आर की भी एन, एन सी सी में भी एन, एम बी बी एस में भी एन, बी डी ओ में ए, सी डी ओ में ए, एम ए में एन, बी ए में ए, एक्सरे में एन, एक्समस में एन, देख लो प्रोनंसिएशन करके, हिंदी में उच्चारण करो, और हिंदी वर्णमाला का पहला शब्द स्वर है तो एन लगाओ, व्यंजन है तो ए लगाओ, इन सबको एक बार देख लो, सबको देख लीजिए एक बार। और थोड़ा जल्दी भी करिएगा, सबको देख लो और थोड़ा सा जल्दी भी कीजिएगा ताकि आप सीखने का प्रयास करें, आप खुद से जवाब देने का प्रयास करें। आई थिंक इसमें भी किसी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डन है ना सब। All set? इसके बाद रूल तो इसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ध्यान केवल उन चीजों का रखना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। जैसे कई बार ब्रेक होते हुए भी चीजें दिखेंगी, आप जानते हो कि हम नॉइज को नहीं गिन सकते, शोर को नहीं गिन सकते, जिसको नहीं गिन सकते उसके साथ तो हम एन नहीं लगाते, लेकिन ये एक फिक्स फ्रेज है इसलिए इसके साथ ए का यूज किया, मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, ये फिक्स फ्रेज है, फिक्स है, इनमें कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ हमने आर्टिकल्स का यूज किया है, अदरवाइज इनके साथ आर्टिकल्स यूज करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो, नहीं तो कभी आपको मिल जाए तो आप ये कहो अरे सर ने तो बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने मेक नॉइज के साथ लगा दिया तो क्या हम नॉइज को काउंट कर सकते हैं, नहीं, नॉइज को ना हम काउंट कर सकते हैं ना कभी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल यूज हुआ है क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है, इस वजह से फ्रेज नहीं होता तो इसके साथ कभी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी आज के लिए, एक और कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, क्लास छोटी रखेंगे लेकिन फ्रूटफुल रखेंगे, आप जितना सीखो उतना सॉलिड सीखो, और अगर आपको बाकी क्लासेस लेनी है तो क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स, ये अपना चैनल है, क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स, इस पे क्लास होती हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर जाकर के आपको इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, उस चैनल पे केवल और केवल मेरी ही क्लास होती है इंग्लिश की, आपको वो कैब पढ़ना है वो कैब भी मिल जाएगा, ग्रामर पढ़ना है ग्रामर भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी चाहिए वो भी मिल जाएगी, आपको इंग्लिश कैसे मजबूत करनी है वो भी मिल जाएगी, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड आपको हर चीज़ यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करते हैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट्स की, कुछ एक और वर्ड्स की, उनको ज़रा ध्यान देकर जवाब देने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा ऑनेस्टी, एक वर्ड लिखा कैटर, एक वर्ड लिखा पुलिस, एक वर्ड लिखा मनी, एक वर्ड आपके सामने हमने लिखा पैनी। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जरा इनके लेवल पर ध्यान दीजिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए, ऑनेस्टी, मनी, कैटल, पैनी और पुलिस। हैं तो ये सब नाउन ही,
ये सब नाउन है, और अगर ये सब नाउन है तो फिर आर्टिकल भी आएगा इनके साथ। ऑनेस्टी नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। कैटल प्लूरल है, पुलिस भी प्लूरल है, मनी अनकाउंटेबल है। पेनी का मतलब होता है सिक्का, सिक्का एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। है कोई सिक्का? है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सिक्के। जब एक से ज्यादा हो सकते हैं तो फिर इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो फिर ये काउंटेबल होंगे, मतलब इसके साथ हम ए पैनी कर सकते हैं, इसके साथ ए पैनी किया जा सकता है। समझ गए? माफ़ी चाहेंगे, एक कल वाली समस्या आज फिर आ गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कल इसके क्वेश्चन कराएंगे। कल क्या मिलेगा? कल इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके सामने, तो इनको पढ़ के आइएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आपका एकदम से तगड़ा मजबूत कर देंगे। ठीक है, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। मैथ्स की क्लास भी आज आपकी हुई है, कैसी हुई मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।